This video is all about current affairs. Current affairs से related काफ़ी सारे doubts आ रहे हैं, तो मैं इस video में कुछ current affairs का आपका एक revision करवा देती हूँ. इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share कर देना, और अगर कहीं doubt लगे तो comment section में ज़रूर mention करना. और ये 10 दिन आपके examinations के बचे हुए हैं, तो कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ revision करिए. ठीक है, जितना पढ़ा है उतना पढ़िए. और अगर ये revision session जो आपको पसंद आ सकता है, तो next कौन सा topic होता है तो उस पर comment भी कर दीजिएगा. अगर ये topic आपके लिए नया होगा तो सिर्फ मेमोराइज करिए, वीडियो देखते हुए लर्न करने की कोशिश करिए, जिससे आपका क्विक तरीके से प्रिपरेशन हो सकती है ना. अगर आपके क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे तो ये आपका रिवीजन सेशन होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको मेमोराइज करिए, लर्न करने की कोशिश करिए. होप करते हैं ये जो अभी मैं कुछ करंट अफेयर्स आपके लिए प्रिपेयर करके लाई हूँ इस वीडियो में, आगे और भी लेकर आ जाओ, जिससे आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रिपेयर हो जाएँ. करंट अफेयर्स वाला जो डर है वो थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश BHN पीरियड कर दें. सबसे पहला है आपके लिए सवाल, देखो अपना प्रदेश, ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है. देखो अपना प्रदेश जो कि लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश ने. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम, इसका आंसर होगा जितेंद्र कुमार महेश्वरी. जितेंद्र कुमार महेश्वरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम. इसके बाद है आपके लिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्सएप पे बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया है किस बैंक ने. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट्सएप के द्वारा बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाला कौन सा बैंक है. दैट इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा याद रख लेना, BOB या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, चेयरपर्सन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन कौन है. NK को BHN पोपीडा के टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा. टेलीग्राम पे अगर एड ऑन नहीं हो तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हर घर पानी हर घर सफाई, कोविड के दौरान ये किसने लॉन्च किया है. हर घर पानी हर घर सफाई किस स्टेट ने लॉन्च किया है. ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को, दैट इज़ पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे सॉफ्ट POS, ये जो एप्लीकेशन है, ये चीज़ है रुपे सॉफ्ट POS, ये किसने लॉन्च किया है, किस नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये करंट अफेयर्स BA स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, BCom स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए हेल्पफुल है. आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी. अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो. तो हमारा क्वेश्चन था, रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च बाय विच NPC. तो यहाँ पे करेंट आंसर होगा SBI. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है. अगला सवाल है, कौन सी यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक मिली है, कौन सी चीज़ में. तो एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में, ARWU में कौन सी इंडिया की यूनिवर्सिटी है, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में से उसको फर्स्ट रैंक मिला है. तो इसका आंसर होगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, शिशु सेवा स्कीम, ये किस स्टेट ने लॉन्च की है उनके लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स कोविड के वजह से उनकी लाइक डेथ हो गई है, उन्होंने अपने बच्चों पेरेंट्स को लॉस कर लिया है, इस वजह से ये स्कीम लॉन्च की गई है उनके देखभाल के लिए, उनके वेलफेयर वेल्थ हेल्थ के लिए. तो ये किस स्टेट ने शिशु सेवा स्कीम लॉन्च की है, दैट इज़ आसाम. आसाम ने लॉन्च की है हमारी शिशु सेवा स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आकांक्षा पोर्टल, आकांक्षा पोर्टल ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है. आकांक्षा पोर्टल चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के, उन्होंने लॉन्च किया है आकांक्षा पोर्टल. ठीक है, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि दो बारी अगर मैं बोलती हूँ तो वो चीज़ आप लोग या तो नोट डाउन कर रहे होंगे या तो सुन के आपको याद हो जानी चाहिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कोवैक्स प्रोग्राम एक लॉन्च हुआ था किसी फॉरेन कंट्री में, उन्होंने फ़ंड दिया था अपनी तरफ से $800 मिलियन, ये किस कंट्री ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है. दैट इज़ जापान. जापान ने कोवैक्स प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने $800 मिलियन USD अपनी तरफ से फंड किया था. जापान नाम याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, स्टार्टअप स्कूल एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये किसने लॉन्च किया था. बहुत ही सिंपल सा आंसर देना है यहाँ पे, गूगल का स्टार्टअप स्कूल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSCA. IFSCA क्या है, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंट्रल अथॉरिटी. IFSCA का फर्स्ट इंडियन चेयरमैन कौन बना है, तो इनका नाम है I. श्रीवास्तवा INDJETI, INJETI. ठीक है, आपको PDF मिल जाएगा, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको बताना है चंद्र एक्सरे
चंद्र एक्सरे ये किसने लॉन्च किया है, चंद्र एक्सरे, चंद्रमा से रिलेटेड और ऐसी चीज़ें कौन लॉन्च करता है, नासा, नासा याद रखना। कौन सा ऐसा स्टेट है जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम में टॉप रैंक पे है, अगर ये सवाल आ जाता है तो यहाँ पे आंसर होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु इसका आंसर होगा, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम के द्वारा 25 लाख पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करने में आयुष्मान भारत तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरीज को हेल्प किया है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाता है कि कौन सा स्टेट टॉप किया है आयुष्मान भारत प्रोग्राम में, दैट इज़ तमिलनाडु। ये शॉर्ट वीडियो थी आप सबके लिए, मुझे लगता है अगर ये करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ आपको पसंद आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर ज़रूर आऊँगी। प्रिपेयर वेल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जो भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, टेलीग्राम पर एड ऑन हो जाइए। साइनिंग ऑफ।